हे भगवान, बस ऐसे ही मनोकामनाएं पूरी करते रहना, हम ऐसे ही दर्शन करने आया करेंगे। बॉबी, लेट हो रहा है दफ्तर में। हाँ जी, चलिए चलिए। जय भोलेनाथ। बॉबी, जल्दी करो, ऑफिस में लेट हो रहा है। अरे रुकिए तो, इतनी जल्दी कहाँ? एक मिनट, पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी आया। बहन जी जल्दी आइए। लेकिन क्यों? बताती हूँ, चलिए ना। अरे क्या पंडित बात? जी अरे जूते तो पहने दो। जूते बाद में पहनेगा, देरी हो रही है। चलिए जल्दी। क्या? आइए बैठ जाइए। नमस्कार। आ गए पंडित जी। हाँ हाँ, ये मेरे पति हैं। पति उत्तम, इनका सर मूंड दो। थोड़ा जल्दी करना भाई, देर। क्या बोला तुमने? सर मूंड दो? पागल हो गई हो क्या? क्या क्या बात? पूरा सर साफ कर दो। ओम पवित्र पवित्र। बॉबी क्या हो गया तुम्हें? यही तो मन्नत थी ना कि आपकी जिस दिन तरक्की होगी उस दिन आप भगवान को बाल दान करेंगे। मैं बाल दान करूं? मतलब गंजा हो जाऊं? अरे आज ऑफिस में मेरा प्रमोशन है, लुधियाना से स्पेशल टोनी जी आ रहे हैं मुझसे मिलने, और मैं वहाँ गंजा होकर जाऊँ? क्यों, गंजे लोगों का प्रमोशन नहीं होता क्या? नहीं, नहीं होती है, लेकिन मैं नहीं मनवा सकता। नहीं, नहीं, क्या पागल हो गए क्या? रुको रुको, अगर आपने बाल दान नहीं किए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज हो जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भगवान भला क्यों? तुम? मैं यहाँ हूँ। एक मिनट, अरे सही टाइम पर आए हो भाई। देखो ना, रोको ना इनको, क्या करे? किससे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो भी प्लीज, इन्हें रोको, मेरा सर मुंड रहे हैं लोग। मैं कैसे रोकूं भगवान दास? मैं कैसे रोकूं? ये कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे बाल दान में चाहिए। मुझे? है? मैं क्या करूंगा तुम्हारे बालों का? समझाओ समझाओ इनको। तुम्हारे जूओ डेंडरफ वाले बाल मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या अकेले अकेले इनसे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। देखिए, भगवान को अगर बाल अर्पण नहीं किया ना तो भगवान खुश नहीं होंगे। पर बॉबी बेटा, मैं इन बालों का क्या करूंगा? बताओ। कोई दुकान खोलूंगा क्या? बहन जी अनर्थ हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे बहन जी। आप बताओ क्या करूं मैं? भगवान दास, तुम्हारे पास केवल दो जवाब है, एक हाँ और दूसरा ना। और अगर मैंने ना बोला तो तुम कोई अनर्थ तो नहीं करोगे? मैं कभी किसी का अनर्थ नहीं करता, मैंने ही तुम्हें बनाया है, और तुम्हारा बिगाड़ के सबसे ज्यादा दुख मुझे ही पहुंचेगा। बॉबी, मैंने फैसला कर लिया है। लगता है मान गए। मैं सर नहीं मंडवाऊंगा। क्या? ये हुई ना बात? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मंडवाएंगे? अरे जज्मा, आपकी तरक्की इन्हीं की वजह से हुई है, भगवान की वजह से हुई है। एक मिनट, अरे भगवान, क्या मेरी तरक्की आपकी वजह से हुई है? भगवान दास, मेहनत तुम करो, गालियां तुम खाओ, ईमानदारी तुम दिखाओ, इसमें मैं बीच में कहां से आ गया यार? इस तरक्की पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता दोस्त। ये तरक्की मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हुई है। तेरा पति पापी है। हे भगवान, आज ये पूरी करने नहीं दे रहे मन्नत, मैं इनके लिए एक और मन्नत मांगती हूँ। बम बम बोले। बम बम क्या? कि जब तक ये बाल नहीं मुंडवाएंगे तब तक सिर्फ एक ही टाइम खाना खाएंगे। मुझे एक टाइम खाना खाना मंजूर है, लेकिन मैं एक भी बाल नहीं मुड़वाऊंगा। हे भगवान, क्षमा कर देना, ये अज्ञानी है। तुम्हें जब ज्ञान मिल जाए तो घर चली जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय दोस्त, सी यू। अरे आपकी शादी हुई है, तभी बाल सलामत हैं आपके।
एक बात बोलूं बहन जी, बुरा मत मानिएगा, आपका पति अधार्मिक है। तो इसका क्या उपाय है? एक उपाय है। क्या? शास्त्रों में दृष्टांत आया है, जो कार्य पति ना कर सके उसके स्थान पर पत्नी कर सकती है। एक काम करिए, आप बाल मुंडवा लीजिए। क्या?